देश में इस समय आंतरिक कलह के साथ ही साथ बड़े बदलाव का दौर भी जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों से जुड़ी नीति और मुद्दों पर विचार के लिए हाल ही में 3 नई कमेटियों का गठन किया है। इन तीनों समितियों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी शामिल हैं। सोनिया ने इन तीनों कमेटियों के लिए पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक ये समितियां विदेश, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक मामलों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को सूचित करेंगी। आर्थिक मामलों की समिति में मनमोहन सिंह के अलावा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह शामिल हैं। जयराम रमेश इस समिति के संयोजक होंगे। विदेश मामलों की समिति में मनमोहन, आनंद शर्मा, शशि थरूर और सप्तगिरी उल्का भी शामिल हैं। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इस समिति में संयोजक बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समिति में मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली और वैथी लिंगम शामिल हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विंसेंट पाला इस समिति के संयोजक होंगे। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली और शशि थरूर उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पार्टी में बदलाव को लेकर अगस्त में सोनिया को लेटर लिखा था। ऐसे में माना जा रहा है कि गंभीर सवाल उठाने वाले इन 4 नेताओं को समितियों में शामिल कर सोनिया ने संकेत दिए हैं कि वो उनके खिलाफ कोई भावना नहीं रखती। इसके अलावा इन समितियों के गठन से ये भी संकेत मिलता है कि पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं पर सोनिया का भरोसा लगातार बरकरार है। हालांकि सोनिया को लेटर लिखने वाले नेता इस कदम से उत्साहित नहीं है। समिति में शामिल किए गए एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उन पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं एक अन्य नेता ने कहा, संगठनात्मक मामलों पर ध्यान देने के बजाय हमें नीतिगत मुद्दों को देखने के लिए कहा जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष को इनपुट देने के लिए पार्टी के पास पहले से ही फोरम और इन हाउस एक्सपर्टाइज है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज़।